हेलो ब्लिंक कर रहे देखना। हेलो चलो क्लास। ए बस भाई सिंपल सी बात है, अमाइन चैप्टर में आप लोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं फटाफट से बोर्ड पे लिखिएगा। अमाइन चैप्टर में सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करी थी इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि किन्हें अमाइंस कहते हैं, अमाइंस का क्लासिफिकेशन होता है, अमाइंस का स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल क्या क्या होता है, वो सब लास्ट क्लास में बताया गया, जिसका डिस्कशन मैंने अभी नहीं किया है बट लास्ट क्लास में हुआ है। उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को लेके आता हूँ इसकी केमिकल रिएक्शंस में, और केमिकल रिएक्शंस में मैंने सबसे पहले जो रिएक्शन तुम्हें करवाई वो थी असाइलेशन रिएक्शन। याद आ रहा है ये जो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा था, असाइलेशन थी। अगली वाली जो मैंने तुम्हें करवाया था बच्चों वो था हिंसबर्ग टेस्ट। दैट्स द हिंसबर्ग टेस्ट। ओके कोई दिक्कत है क्या? ये किसका हिस्सा है, ये रिएक्शंस किसके टॉपिक के अंदर है बोलो? ये है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंडर मैंने आप लोगों को दोनों चीजें करवाई। तो अब तक का जो चैप्टर हुआ है ना बच्चों उसके अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट, असाइलेशन और हिंसबर्ग टेस्ट किया। बच्चों क्लियर होता है कि नहीं होता है यहां तक का? अगर लास्ट क्लास की चीजें पता है तो ये तीन चीजें हुई हैं। अब हम शुरू करेंगे बच्चों क्या आज स्टार्ट करना है हमें इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज मक्खी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इतना तो कभी नहीं करती है। चलो दैट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है रिएक्शन, समझते हैं इस बात को, बोर्ड पे ध्यान समझना। अब ये रिएक्शन पहली बात तो ये पहली बार नहीं हो रही है, सबसे पहले हुई थी 11th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एंडिंग में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी नाइट्रेशन, याद आ रहा है, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, सल्फोनेशन, पांच रिएक्शंस करवाई थी। फिर मैंने तुम लोगों को जो मैं हैलोकेन्स करवाया फिर मैंने दोबारा करवाई, अल्कोहल फिनोल की एंडिंग में भी करवाई। ये रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप एक बार नहीं लगभग मेरे साथ 3 से 4 बार कर चुके हैं अलग अलग टाइम्स पे। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा इसका कि क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स कोई भी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होंगी, अभी फिलहाल के लिए मान के चलिए। ए इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ऐसी चीज जो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल जाके किसी की जगह ले ले, इलेक्ट्रोफाइल जाके किसी की जगह ले ले तो उसको बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कर दिया, रिएक्शन बन गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है पूरा मामला मैं समझा देता हूं। भाई आपके पास बेंजीन पे ना कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ना, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो पैरा पे आएंगे या बोलो कहां आएंगे, मेटा पे। पूरी तरीके से टॉपिक पिछली चीजों से रिलेटेबल है भाई। पिछली चीजें मतलब कि जो आपने कभी पहले पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंडिंग चल रही है। अगर कुछ बच्चों ने जिन्होंने अभी अमाइन से थोड़ा ज्वाइन करा है तो भैया थोड़ा दिक्कत आएगा आप लोगों को, मैं क्लियर करूं। सो आप लोगों के पास जो बेंजीन है अगर उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, याद करो जैसे कि मैं NH2 जोड़ देता हूं, NH2 अमाइंस की कैटेगरी का कैसा भैया? अरे अमाइंस का ही एरोमेटिक अमाइन है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, कैसे है भाई कार्तिक? नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं, 2.5 पांच वैलेंस होते हैं, 5 में से उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं भाई, एक नीचे, 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मतलब डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? 2 केस करवाए थे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों याद कर लेते थोड़े से। अगर मेरे पास बेंजीन के साथ लगा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये कुछ ऐसा रेजोनेंस करता है कि ये बेंजीन रिंग में ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डोनेट करता है। मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूं लेकिन इतना जरूर है कि जब ये डोनेशन करता है तो ये आपकी कुछ साइट्स को, जिसे बनना चाहो तो बना सकते हैं बच्चों, हालांकि तुम कुछ बच्चों को ये रेजोनेंस नहीं आता हो तो फिर तुम वैसे ही परेशान रहोगे। ये वाली साइट को ध्यान से देखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो कोई नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा फिर इसको ऐसे शिफ्ट करेगा। फिर 11th क्लास की चीजें हैं, बताओ बच्चों 11th क्लास की चीज को कैसे डील करेंगे? फिर 12th में भी टाइम दिया गया इसको, ऐसा नहीं कि 12th में नहीं बताएगी, फिर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। बिल्कुल चुपचाप देखते चलना है, शोर नहीं करेगा कोई बच्चा इस टॉपिक में, पहले बोल रहा हूं।
फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है, कुछ पढ़ा था ऐसा 11th में रेजोनेंस जैसा? कुछ ऐसा बन जाएगा? तो मुझे बताइए, जब बेंजीन के ऊपर, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ था? NH2 लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? तो उसने उसकी कौन कौन से साइट्स को डोनेशन से इलेक्ट्रॉन रिच बनाया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मामले में अमीर कर दिया। एक ये वाली पोजीशन को जो उसकी बिल्कुल बगल में है, एक बिल्कुल सामने वाली पोजीशन को, और फिर से एक बगल वाली पोजीशन को। इन पोजीशंस को क्या बुलाते हैं भैया? ये भी बहुत छोटी क्लास की बात है, सिंपल सी बात है कि जहां पर भी ये ग्रुप लगा हुआ है, ये वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये वाली को बोलते हैं मेटा, ये वाली को बोलते हैं पैरा, ये वाली को बोलते हैं मेटा, और ये वाली को फिर से बोलते हैं ऑर्थो। मतलब बिल्कुल बगल वाली पोजीशंस को ऑर्थो बुलाते हैं, बिल्कुल सामने वाली को पैरा बुलाते हैं, और एक अल्टरनेट में छोड़ के वाली को क्या बुलाते हैं? बोलो मेटा बुलाते हैं। सो भैया, जब भी आपकी बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, अब आपको उसे हम कैसे पहचानेंगे? या देखो, वो पहचानने का तरीका सिंपल सा ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचने चाहिए उसके पास। और मान लो कि तुम्हें लगता है कि इंधन में नहीं पहचान पाऊंगा, तो यार याद कर लो कि NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NH2 इलेक्ट्रॉन एक आधी याद करना है फिर आप लोगों को चैप्टर के लिए। सो भैया, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो फिर सीन क्या है, इसके बाद करना क्या है? सो करना ये है बच्चों कि अगर मेरा कोई भी ग्रुप कैसा है, बोर्ड पे, अगर मेरा कोई भी ग्रुप कैसा है बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसने कौन कौन सी साइट्स को रिच कर दिया है? बहुत अच्छे, ऑर्थो और पैरासाइट्स को रिच कर दिया है। सही बात है। और ऐसे में मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा बताओ जरा, ऑर्थो पे या पैरा पे या इस ऑर्थो पे? क्यों भाई? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो या तो वो ऑर्थो पे आगे जुड़ता है, या बोलो कहां पर आगे जुड़ता है, बोलो पैरा पे। याद आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन को, तो बेंजीन की वो इन जगहों को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और इलेक्ट्रोफाइल्स फिर कभी मेटा पे अटैक नहीं करते, कहां अटैक करते हैं? ऑर्थोस पे। और बोलो कहां अटैक करते हैं? पैरास पे। कुछ याद आया कि नहीं आया? पूरी बातें याद दिलाता हूं, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, चिंता मत करिए। इसके बाद बच्चों, अगर कभी कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसा, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है CHO, ध्यान दो CHO। अब आपको पता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार, चारों इस्तेमाल हो चुके बॉन्डिंग में। एक एरा, एक एरा, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार, चारों के चारों इस्तेमाल हो चुके हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो ये डोनेशन नहीं करता, ये डोनेशन नहीं करता, ये विड्रॉ करता है। कैसे करता है? ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ऑक्सीजन कार्बन से, अरे यार, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। और फिर कार्बन किससे छीनेगा बोलो? बेंजीन से। अब मैं ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, बस आप इतना समझ जाइए कि अगर छीना है तो इस वाली साइड पे कैसे चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव। ऐसे ही इस पे भी पॉजिटिव आता है, और ऐसे ही इस पे भी पॉजिटिव आता है। मतलब पहले जो जो साइट्स कैसी हो रही थी नेगेटिव चार्ज, वही वही साइट्स बोलो क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज। और अगर वही वही साइट्स पॉजिटिव हो गई हैं, तो इन द केस व्हेन द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दीज साइट्स विल गेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड टू द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशंस। बट व्हेन द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, दीज साइट्स विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे। अब आप मुझे बस ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इन पे या मेटा पे? इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा? समझो मेरी बात को। अब वो ऑर्थो पैरा को पसंद नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, और वो पॉजिटिव जगहों पर अटैक नहीं करेगा। आपको ये बात मैंने बहुत तसल्ली से सिखाई है बच्चों 11th क्लास में, और फिर दोबारा 12th क्लास में सिखाई थी। आज थोड़ा सा स्पीड पकड़ा हुआ इस चीज को लेकर, बिकॉज एक ही चीज को हम कितने बार ऐसे तसल्ली से करते रहेंगे, फिर तो सिलेबस ही रुक जाएगा भाई। सो गाइज, अगर मेरा ग्रुप डोनेटिंग हुआ, डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो वो ऑर्थो पैरासाइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। और अगर मेरा ग्रुप कैसा हो बोलो? विड्रॉइंग, तो वो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करवाएगा, वहां पर अटैक करेगा मेटा पे। तो ध्यान रखना, ये वाला कैसा डायरेक्टिंग होता है बोलो? मेटा डायरेक्टिंग। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, और EDG ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। चलिए, बात यहां तक की कुछ समझ में आई या नहीं आई? रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, अब आते हैं, अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, अब शुरू करते हैं। अब यहां से शुरू होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई होता क्या है, ध्यान समझना,
जब हमने इसका ब्रोमिनेशन किया, इसका पहला रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या करोगे? तो ब्रोमिनेशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? ब्रोमीन, Br2। ध्यान देना, NH2 मेरे पास है और मैं यहां पर इसमें ऐड कर रहा हूं ब्रोमीन, यानी Br2। Br2 ऐड कर रहे हैं भाई, समझो मेरी बात को क्लास। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता भैया ध्यान रखिए कि इसके एडिशन के दौरान ना Br+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। Br+ एज अ, मतलब जिस E+ की मैं बात कर रहा था कि E+ आएगा, वो E+ यहां पर कौन सा होता है भाई? Br+, याद आ रहे हैं? अरे नाइट्रेशन के दौरान कौन सा आता है बोलो? NO2+। नहीं आ रहा याद? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के दौरान आता है CH3+, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन के दौरान क्या आता है? CH3CO+। बच्चों ये क्या है? अरे ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्या है बोलो? इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं कहां पर बोलो? डिपेंड करता है कि बेंजीन के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या विड्रॉइंग। अगर डोनेटिंग लगा हुआ है तो अटैक करवाएगा ऑर्थो पे, और कहां पर बोलो? पैरा पे। और विड्रॉइंग ग्रुप है तो कहां पर बोलो? मेटा। चलिए अब आता है एक बढ़िया ट्विस्ट इसमें कि ऐसे इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन को क्यों इतना समय दिया जा रहा है। भाई देख, अब Br+ को अटैक करना चाहिए कहां पर बोलो? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, बिकॉज NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने ऑर्थो पैरा साइट्स को बना दिया होगा इलेक्ट्रॉन रिच। तो अटैक करेगा बोलो कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पे। सब देखते चलो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, मैं बोलता रहो, देखते रहो। ऑर्थो पे अटैक करेगा और बोलो कहां पर अटैक करेगा? पैरा पे। लेकिन अगर तुम्हें रिएक्शन याद आ रही हो तो क्या दोनों तीनों पर साइमल्टेनियस अटैक होता है या एक एक अटैक होता है? याद करो, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जानते हैं कि सर एक एक अटैक हो रहा है। याद करो, कुछ ऐसा करवाया था मैंने तुम लोगों को कि अगर मान लो बेंजीन के ऊपर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लास बोर्ड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने सीएल लिया हो, ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, अगर तुम इसके अंदर ऐड कर रहे हो CH3Cl, याद करो AlCl3 की मौजूदगी में, तो तुमने याद करो क्या करा था, जब CH3+ का एडिशन हुआ था तो एक प्रोडक्ट लिखा था तुमने ऑर्थो वाला, एक प्रोडक्ट लिखा था तुमने ऑर्थो वाला और एक बोलो क्या लिखा था? पैरा वाला। एक ऑर्थो वाला और एक बोलो क्या? क्या तीनों साइट्स पर आपने एक साथ अटैक करवाया था क्या? अब आप कहेंगे सर इस वाले ऑर्थो पे कर दिया, इस वाले पे नहीं करा सर, अरे इस पे करूं चाहे इस पे करूं, बात बोलो क्या है? सेम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है ना, तो वो तीनों साइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच तो बनाता है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है और अटैक इलेक्ट्रोफाइल किसी एक पे ही करता है। या तो वो इस पे कर जाएगा, ये वाली ज्यादा रिच होगी, या फिर वो इस पे कर जाएगा, मतलब रिच तीनों होती है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो यू मान लो 100 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है और 10-10 की यहां पर है, तो मुझे बताओ जरा किस पे अटैक करेगा? 100 वाली पे, जिसके ऊपर नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा होगी, समझो मेरी बात को। तो वो इन तीनों में से किसी एक को ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है और उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके बोलो क्या होता है? जुड़ जाता है। इसीलिए आप लोग बोलते बोलो क्या थे? एक बार ऑर्थो वाला आ गया और एक बार बोलो क्या आ गया? पैरा वाला आ गया। ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन बच्चों NH2 के केस में रिजल्ट थोड़े चौंकाने वाले थे। NH2 के केस में रिजल्ट ऐसा आया, रिजल्ट आया ऐसा, NH2 Br Br Br। कुछ कहेंगे सर दो Br है कैसे हो गया? बैलेंसिंग कर दो, तीन Br2 बैलेंसिंग कर दो, तीन Br2, तीन Br यहां चले गए, तीन Br बचे हुए तीन H के साथ बोलो क्या बना लेंगे? तीन HBr। कोई नहीं, आप लोग बस ये देखिए तीनों अटैक कहां हुए। क्या आपको इसमें थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लग रहा है कि भैया क्या चीज इसमें आपको थोड़ी हटके लगी? इस बार सर कुछ अलग हुआ है, ऐसा अमूमन नहीं होता। अब ऐसा अमूमन नहीं होता ये उसी को पता होगा जिसने अमूमन देखा हो। भैया पहली बात सुन लीजिए, ये रिएक्शन का खेल यही है कि आपने कितनी बार इसको पढ़ा हुआ है ना, उसके जरिए ही तुम्हें समझ में आएगी। अगर तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा आज कम ही उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आने वाली है। जिन भी बच्चों को जो पहले से बैच में थे चाहे अभी से आए हैं, अगर आपने रिएक्शन बच्चों ज्यादा नहीं करी हुई है, आपको नहीं आएगा समझ, मुश्किल लगेगा आपको टॉपिक आज का, बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन नहीं है, पुरानी रिएक्शन है। अब आप मुझे बताओ कि क्या अनऑर्थोडॉक्स इसमें? आदर्श बता क्या? OH वाले में थी, बहुत बढ़िया। क्यों थी बताओ वहां पर ऐसी? क्या हुआ था ऐसा? बिल्कुल हुआ था ऐसा। मैं यही पूछ रहा हूं कि जनरली तो ऐसा होता है ना, अटैक या तो किस पे होगा? एक सिंगल ऑर्थो पे अटैक, या फिर सिंगल क्या होगा बोलो? पैरा पे। तीनों पे अटैक कैसे हो गया? इसका पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन यही है, Why we obtain a tri-bromo derivative? क्यों ऐसा हुआ कि तीनों bromines अटैक कर दिया, एक पे क्यों नहीं हुआ? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला जिसपे एक सब्स्टिट्यूशन हो, ऐसा क्यों नहीं मिला? देखो इसका मैं कारण देता हूं,
जो हमारा ये जो NH2 है ना, अरे सुन लो, ये जो NH2 है, कहते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से डोनेट करता है, बहुत ज्यादा डोनेट करता है। और जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये तीनों साइड्स को साइमल्टेनियसली इतना रिच बना के रखता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स की अवेलेबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स तीनों पर अटैक कर जाएगा। समझो मेरी बात को। सेम जिस समय मैं आपको फिनोल वाला केस करा रहा था, मैंने यही बोला था कि OH ना इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है कि वो ऑर्थोपैरा तीनों साइड्स को इतना हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बना के रखता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स अवेलेबल हुए तो वो अटैक कर जाएगा। तो याद करो, अगर तुम्हें याद आ जाए तो फिनोल के केस में, फिनोल के केस में जब मैंने डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लिया था, डाइल्यूट का मतलब आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा NO2 प्लस अवेलेबल नहीं है, ये हजार हैं तो ये भी हजार ही NO2 देगा, तो ऐसे में तो भैया अटैक किसी क्या होगा बोलो, एक एक पे ही होगा। अरे समझो मेरी बात को, ऐसे में अटैक एक एक पे ही होगा, या तो पैरा वाला मिलेगा या बोलो क्या मिलेगा, ऑर्थो वाला। लेकिन जैसे ही इस केस के अंदर मैंने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड, याद करो बहुत अच्छे, पिक्रिक एसिड बनेगा, तो ऐसे में क्या हुआ था, तीनों पर अटैक कर गया था। अब आप मुझे बताओ ना ऐसा क्यों हुआ था, तीनों पर अटैक कैसे हो गया था? अरे भैया OH का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना हाई होता है कि ये किसी एक साइड को रिच नहीं बनाता, ये तीनों साइड्स को रिच बनाता है, कितने को बोला, और जिस कारण से अगर इलेक्ट्रोफाइल्स अवेलेबल हुए तो वो किसी एक पे नहीं तीनों ही साइड्स पर अटैक कर जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाइल्यूट के केस में उतना इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल ही नहीं होता, इसलिए एक एक पे अटैक एक ही कर पाता है। हजार है तो ये भी हजार ही है, बट अगर ये हजार है और ये 3000 अवेलेबल है तो पक्का एक पे तीन अटैक कर जाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं करते हैं कि वो तीनों साइड्स को रिच बना पाए। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली है, किसी एक को ही वो ज्यादा रिच बनाते हैं, या तो पैरा वाली को, या बोलो किसको, ऑर्थो वाली को। और इसीलिए मेरा इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो वाली साइड को चूज कर लेते हैं, या बोलो किसको। और जनरली मैंने आपको बताया भी है, मेजर प्रोडक्ट किसका बनता है बोलो, पैरा का। मतलब कि अगर 1000 मॉलिक्यूल रिएक्शन दे रहे हैं तो 800 मॉलिक्यूल कौन सा बनाते हैं, पैरा वाला, 200 मॉलिक्यूल कौन सा बनाते हैं बोलो, ऑर्थो वाला। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तीनों पर अटैक हो गया भाई, तीनों पर साइमल्टेनियस अटैक हो गया, तो आप लोग क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, आप लोग क्या बोलेंगे भाई? आप लोग इसमें क्या बोलोगे बोलो क्लास? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अभी हाथ में आ गई तो मसल दूंगा उसको, हत्या करवाएगी मुझसे। अरे छोड़ आया था एक को तो मैं बाहर, चलिए पहले तो पढ़ लो, पहले तो इसका मतलब समझ लो, जल्दी पढ़ो इसको, क्या मतलब है? समझ में आया? समझ आया क्या बोल रहा है? अरे भैया ये तीनों पे कैसे अटैक हो गया, होना तो ये तो औरतों पे था, या बोलो किस पे, एक औरतों वाला बंदा एक पैरा वाला बंदा, समझ में आता है क्योंकि जनरली हमने ऐसी पढ़ी है। अब बात वही है भैया, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है तो पता लग रहा होगा मैं क्यों यहाँ पर इतनी इसको जनरलाइज, इसको क्यों मैं स्पेशली लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। इस केस में हुआ है तो कुछ तो बात स्पेशल होगी, तो क्या बात स्पेशल है? तो बोला गया कि भैया ये जो NH2 ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है बड़ा स्ट्रांग है, वो तीनों साइड्स पर ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बना देता है कि 100 की डेंसिटी यहाँ पर, 100 की यहाँ पर, 100 की यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अवेलेबल होंगे तीनों पर अटैक कर जाएंगे।
जनरली और क्या करते हैं, एक पे 100 बनाएंगे बाकी पे 10-10 बनाएंगे, तो अटैक किस पे होगा, बोलो 100 वाली पे सर। अगर इस पे 100 है उन दोनों पे 10 है तो इस पे अटैक होगा। इसीलिए तो मेरे ज्यादातर रिजल्ट ऐसे होते थे रिएक्शन के बाद, या तो ऑर्थो वाला मिलेगा या बोलो क्या मिलेगा पैरा वाला, बट इस बार तीनों पर अटैक हुआ है। पहली बात, अटैक ऑर्थो पैरा पे क्यों हुआ आपको समझ में आना चाहिए। एनएच2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो भैया अटैक तो ऑर्थो पैरा पे करवाएगा। लेकिन साइमल्टेनियस अटैक क्यों करवा दिया, तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एनएच2 ग्रुप इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टू सच एक्सटेंट, इस लेवल तक वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है दैट इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस साइमल्टेनियसली, कि इस लेवल तक वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल्स एक साथ अटैक कर देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इसमें, सुनो क्या, हाउ कैन वी कंट्रोल्ड द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, और क्वेश्चन आएगा हाउ वी कैन ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। बच्चों दोनों क्वेश्चन पढ़ो, दोनों क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, हाँ वही है वही है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, क्या हम इस NH2 की जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन है जो ये बेंजीन को इतना एक्टिवेट कर देता है कि तीनों जगह पर अटैक हो जाता है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? दूसरी चीज, इसी का दूसरा सवाल बन सकता है कि क्या हम इस रिएक्शन के दौरान मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, मतलब सिर्फ एक पे अटैक हो गया ऐसा कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है सर, पहले प्रॉब्लम पकड़ो। प्रॉब्लम है कि बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करता है तीनों पे, इलेक्ट्रोफाइल तीनों पे अटैक कर देते हैं। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन ना करे, किसी एक को ही रिच बनाए, किसी एक ही सेट को रिच बनाए, तो बोलो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किसी एक को अटैक करेगा। बट ये क्या करता है, तीनों को रिच बनाता है, इतना डोनेशन करता है कि तीनों साइड से कहता है लो भाई तुम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रोफाइल आते तीनों पर जुड़ जाते हैं। तो कैसे इस बात को कंट्रोल किया जाए, यही अब हमें समझना है। अब समझते हैं कि कैसे करेंगे, आइए बोर्ड पे समझिए। कहता है द एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ NH2 ग्रुप कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइलेशन of aniline with acetic anhydride followed by hydrolysis। आ जाइए भाई, अब ये क्या लिख दिया भाई, ढंग से सुन लो, एक बारी में क्लिक हो जाएगी चीज क्या चीज है। अगर हम aniline को यही तो होते नहीं aniline, अरे हमें एक तरीके से नाम है एनिलीन, एनिलीन को पहले रिएक्शन करवा दे किसके साथ, बोलो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अरे आज ही सिखाया बच्चों आते के साथ ही। अगर हम इसका रिएक्शन पहले किसके साथ करवा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, चाहे इसको एरो पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं पहले किसके साथ, सब बच्चे बोलो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो जरा बताओ रिएक्शन कैसे होगी। याद करो, इसका एच निकलेगा और इसका बोलो क्या निकलेगा, अब भाई पढ़ा है तो आता होगा, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसका एच निकलेगा और इसका बोलो क्या निकलेगा, पता है, बोलो आंसर क्या आएगा, सब बच्चे बोलो आंसर क्या आएगा, बेंजीन NH सी डबल बॉन्ड ओ CH3 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको लगाने से क्या बेनिफिट है, इसको लगाने से क्या फायदा हुआ, आइए मैं समझाता हूँ फायदा क्या हुआ। आपके पास जो ये ग्रुप था, ध्यान देना भाई, NH C डबल बॉन्ड ओ CH3, मुझे बस इस बात का जवाब दे दो भाई, आप लोग अटैक तीनों पर क्यों हो रहा था, हर्ष तीनों साइड्स पे अटैक क्यों हो रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कि ऑर्थो पैरा साइड सबको रिच बना देता है, इससे इलेक्ट्रोफाइल तीनों पर अटैक कर जाता है, यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये उतना डोनेट ही ना कर पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा डोनेट करे बाकियों की तरह
तो फिर किसी एक ही साइड पे रिचनेस बनेगी और अटैक किसी एक ही साइड पे होगा। और आप जानते हो कि ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल साइड कौन सी होती है, बोलो पैरा वाली होती है, पता है नहीं सारी बातें। अब मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, अगर ये डोनेशन जो है थोड़ा कम होने लग जाए, अब कम कैसे हुआ, इस ग्रुप के अटैच होते के साथ ही हर बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, बहुत बार बता चुका हूं मैं, पूरा एलडीआर कीटोन मैंने चैप्टर इस पे कराया है। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन के पास कैसा चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव। जनरली कार्बन में पॉजिटिव आने के बाद कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचेगा, मेरा कहने का मतलब ये, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन नाइट्रोजन से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या आप उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी इसको डोनेट करने के लिए, क्या अब थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी, नहीं बचेगी। जब तक ये ग्रुप नहीं लगा था सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर शिफ्ट हो रही थी, बोलो इधर। बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते कि दो इलेक्ट्रॉन है तो जा कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज का पूरा, मान दो कि एक पूरा समान सा है नेगेटिव चार्ज का, कुछ समान इधर चला जाएगा और कुछ समान इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इस बार एक ऐसा ग्रुप लग गया इसके बगल में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, कार्बन इससे छीनेगा। तो क्या अब इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी डोनेट करने के लिए? नहीं। अब अगर थोड़ी डेंसिटी बचेगी तो ये थोड़ा ही डोनेशन करेगा, और अगर थोड़ा ही डोनेशन करेगा तो अब तीनों साइड से उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बन पाएंगी, अब अटैक किसी एक पे ही होगा। और आपको पता है कि वो तीनों पोजीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, बोलो पैरा वाली, कौन सी वाली, बोलो मेजर, वही बनती है। तो जब ऐसा ग्रुप होगा और इसके बाद अगर मैंने ब्रोमिनेशन करा, अगर उसके बाद मैंने ब्रोमिनेशन करा तो ये अटैक कहां पर करवाएगा, पैरा पे, कहां पर बोलो, तो ये अटैक होएगा बच्चों आपका इसके अंदर, इसके लगने की वजह से सिर्फ पैरा पे। अब ऑर्थो वाले रिजल्ट्स सिर्फ कौन से वाले है, अभी करेंगे एडमिशन, कौन से वाला रिजल्ट आया, बोलो सब बच्चे बोलो, अब सिर्फ पैरा वाला आया, ऑर्थो वाला क्यों नहीं आया, दिमाग लगाओ भाई। ऑर्थो वाला भी बना होगा लेकिन कैसा बना होगा, माइनर, मेजर कौन सा बना होगा, पैरा वाला। अच्छा लेकिन आप लोग कहेंगे सर हम तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे थे, ये तो किसी और चीज का ब्रोमिनेशन कर दिया आपने, तो भैया कुछ नहीं है, इसके बाद आप लोगों को हाइड्रोलिसिस भी करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालना है, क्या डालना है बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब बताओ पानी कैसे डलेगा यार, थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस समझो, H2O के पास क्या है बोलो, इधर भाई नंदिनी, H2O के पास H+ है और OH- है, तो क्या होता है, H ले लेता है ये बेंजीन के साथ में लगा हुआ N, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इसको सीधा बात करेंगे, ये बन जाएगा NH2, नीचे बन जाएगा Br, H ले लिया उसने और OH ले लिया इसने, बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब क्या, जब एनिलीन के किसी एक पोजीशन पर आके कोई अटैक करेगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। तो एनिलीन से बच्चों दोबारा ये खत्म हुआ टॉपिक, ब्रोमिनेशन खत्म हुआ। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि प्रॉब्लम क्या है भाई, ये मुझे बताइए कि जब इसका ब्रोमिनेशन करा तो सबसे पहला सवाल क्या बनेगा, सबसे पहला सवाल बनेगा कि भैया यहां पर अटैक तीनों साइड्स पे क्यों हो गया, तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो सारी ऑर्थो पैरा साइड्स को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, और जिसके कारण जो अटैक है वो तीनों पोजीशंस पे साइमल्टेनियसली हो जाता है। फिर बोलेगा क्या इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आप कहेंगे बना सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन को कम करना पड़ेगा। करे कैसे कम करें, करे कि इसका ना पहले ना रिएक्शन करने से पहले ना इसका एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करा दो, तो लास्ट क्लास तुमने एसाइलेशन पढ़ा था, तो इससे एक ग्रुप इसके साथ आगे जुड़ जाएगा जिस ग्रुप को मैं बोलता हूँ COCH3, जुड़ जाएगा ग्रुप। अब ये ग्रुप अगर इसके साथ आगे जुड़ गया तो ये ग्रुप अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना डोनेट होने नहीं देगा, क्यों नहीं होने देगा, बिकॉज ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, कार्बन इससे छीनेगा, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन्स उतने अवेलेबल ही नहीं डोनेशन के लिए। अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए तो उसका मतलब अटैक किसी सिर्फ एक ही साइड पर होने वाला है, और वो एक साइड आप लोग जानते हैं कि मेजर तौर पर कौन सी होती है, बोलो पैरा वाली होती है। इससे सिर्फ ब्रोमिनेशन करने पर सिर्फ एक ही रिजल्ट बना, बोलो पैरा वाला नहीं आया समझ में, अनुराग नहीं आ रहा समझ में, फिर मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो वापस से वो टूट गया एसिडिक वाला पार्ट, क्योंकि पानी डालने पे एसिड बेस वाली चीजें अलग हो जाती है वापस से। सो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, CH3COH बना लेगा और वो बोले जाएगा अपने साथ H, और ऐसा करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सो गाइज देखो, इधर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना आसान नहीं है जितना पिछले थे हमारे, पिछले केसेस में बड़ा सिंपल था, मैं 5 मिनट में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म करा देता, कि बच्चों ऑर्थो पे अटैक कराया, पैरा पे कराया, कहानी खत्म, याद आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो मेटा पे अटैक करो, कहानी खत्म। लेकिन इस बार थोड़ा सा काम बढ़ा, क्यों बढ़ा वो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट तसल्ली से सोच लीजिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, जल्दी से सोच लीजिए, सोच लो, टेक योर टाइम। हाँ भैया टेक योर टाइम, और ये सोचो कि मैंने क्या करवाया अभी तक। सभी बच्चे
क्लास, मैंने बातें करने के लिए 2 मिनट नहीं दिए थे आप लोगों को, डिस्कस करने के लिए दिए थे कि टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लक्ष्य है, मौका मिलते ही बातें शुरू कर देता है, हैं? पेपर 13 है फरवरी में, ठीक है कोई नहीं। क्लास कुछ पल्ले पड़ा? और देखो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहता था, ऑर्गेनिक रिलेटेबल है, आपको पहले की चीजें आनी चाहिए। इस पूरे टॉपिक में मैंने एनहाइड्राइड भी इस्तेमाल करा, मैंने एसिड क्लोराइड भी इस्तेमाल करा, सिर्फ अमाइन जी तो इस चैप्टर का उठाया, बाकी सब कुछ पिछला था। अगर पिछला पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा हाँ कुछ भी नहीं है, और पिछला नहीं पढ़ा हुआ तो भाई बहुत मुश्किल लगेगा। सिंपल सी चीज है, सारा कुछ खेल आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत पहले करी हुई है। नहीं करी हुई ऑर्गेनिक की, बिल्कुल शुरू से मेहनत नहीं करी हुई है, नहीं आएगा, मुश्किल लगेगा। चलो आ जाओ अगला, अगला केस है बच्चों नाइट्रेशन। ओए बस, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करूं, नाइट्रेशन कैसे करते हो? अच्छा, ऐसे में जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं, ऐसे में जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल होता है वो NO2 प्लस होता है। जैसे कि पीछे में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल था? BR प्लस। इस बार कौन सा है? बोलो NO2 प्लस। सब बच्चे ध्यान देना भाई, अटैक कहाँ होना चाहिए, अटैक कहाँ होना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पे। फिर बच्चों के दिमाग में वही आता है, तीनों पे अटैक हो जाएगा। लेकिन इस बार रिजल्ट ना और परेशान करने वाले थे, इस बार रिजल्ट कुछ ऐसे आए, सुनो ए, इस बार ऐसे आए, कुछ आया पैरा वाला, कुछ आया ऑर्थो वाला, एंड द मोस्ट शॉकिंग चीज जो इसमें हमें मिली ना, वो क्या मिली कि मेटा वाला रिजल्ट भी आ गया। यहां तो थ्योरी गड़बड़ लगने लग रही है अब कि सर जब NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ढंग से सुन लीजिए, CBSE की फेवरेट कैटेगरी है क्वेश्चंस में, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा रटे रटाए तरीके से लास्ट में वन शॉट वीडियोस देखता है। वन शॉट वीडियोस में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अंदर की बात नहीं बताई जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चीजें दिक्कत कब करती है, ये वो वाले केसेस है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चीजें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है, जनरली नहीं दे रही है। वो आपको वन शॉट में से बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये रेगुलर क्लास में बताया जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सुनिए मेरी पूरी बात को ध्यान से, आपका जो NH2 ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पर क्रिएट करी, अभी सिखाया था बच्चों कहां कहां पर क्रिएट करी, देखो ना कहां कहां पर क्रिएट करी, कहां कहां पर क्रिएट करी उसने। आप बोलेंगे सर NH2 लगा हुआ है, इसने तो रिचनेस यहां पर बनाई, रिचनेस यहां पर बनाई, यहां पर बनाई, तो ऑब्वियसली बात है सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना कहां बनता है, ऑर्थो वाली साइड पे, इस पे कर दे या उस पे कर दे, बात सेम है, या इस पे कर दे। माना पैरा वाला बना, माना ऑर्थो वाला भी बना, सही मेटा वाले का तो कोई रोल था नहीं, ये मेटा पे क्या करने का, मेटा पे कब जाता है ये बता दो, मेटा पे कब जाता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो पैरा साइड्स को पॉजिटिव बना देता है, जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो पैरा को चूज नहीं करता, फिर वो किसको चूज करने लगता है, मेटा को। तो मेटा पे तभी जाता है जब विड्रॉइंग ग्रुप हो, डोनेटिंग के केस में मेटा पे, लेकिन यहां गया, यहां गया। और मैं आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊं ना बच्चों, तो परसेंटेज वाइज कुछ ऐसा है कि ये आई थिंक 51% है, ये 2% है, और ये 47% है। मींस अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फाउंड, मतलब एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मेटा वाला रिजल्ट भी आया। कोई बच्चा दिमाग लगा सकता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऑर्थो पैरा वाला समझ में आता है, हाउ कैन अ मेटा डेरिवेटिव फॉर्म्ड इन दिस केस? मैंने बोला क्या, इन स्पाइट ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप, हाउ अ मेटा नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन। क्वेश्चन पढ़ो, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो।
पढ़ लिया? इन स्पाइट ऑफ हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के बावजूद कैसे मेटा वाला प्रोडक्ट आ गया, मेटा नाइट्रो डाइट्रिक कैसे आ गया इनका ड्यूरिंग द नाइट्रेशन? मेटा वाला तो बनता ही नहीं है, डोनेशन के केस में मेटा कब से बनने लग गया? विड्रॉइंग के केस में बन जाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग के केस में ऑर्थोपैरासाइट्स रिच हो जाती है, ऑर्थोपैरासाइट्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल उन पर अटैक नहीं करता, फिर वो चूज करता है किसको बोलो, मेटा को, पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होगा नहीं। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ सुना है पहले ऐसा कभी? इससे पहले कभी हमारी इन चीजों को लेकर बात हुई है ना, तो याद आ रहा होगा नहीं आ रहा? आदर्श करिए ना उन चीजें। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्या हुआ होगा, आइए समझाता हूं मैं ऐसा क्या हुआ। बच्चों इस रिएक्शन के दौरान ना एक चीज आप भूल गए कि जो मेरे पास ये NH2 है ये ऐसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और H2SO4 की मौजूदगी में क्या निकल रहा होगा वहां से H+, क्या निकल रहा होगा? अब आपको पता है पॉजिटिवली चीज है, ये न्यूट्रल चीज है, लास्ट क्लास याद करिए, ये पॉजिटिव चीज है, न्यूट्रल चीज है। पॉजिटिव चीज इस पर अटैक कर सकती है? अरे कर सकती है कि नहीं कर सकती है बोलो? अगर पॉजिटिव चीज न्यूट्रल चीज से कंबाइन होगी तो रिजल्ट बोलो कैसा आएगा? बनेगा NH3 पॉजिटिव? अरे बनेगा। और मुझे बताना है NH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो डोनेट नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज है। होता क्या है कि मान लो इसके 1000 मॉलिक्यूल है, उसमें से कुछ 470 अगर परसेंटेज वाइज जाऊं तो मैं लगभग आधे मॉलिक्यूल्स पे यहां का H+ जाके NH2 से जुड़ के उसको बोलो क्या बना देता है? अनिलीन से अनिलीनियम आयन बना देता है। क्या बना देता है बोलो? अनिलीन से अनिलीनियम आयन। और जो ये अनिलीनियम आयन है उसमें जो ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बाहर, जिसके कारण वो ऑर्थोपैरासाइट्स को बोलो कैसा चार्ज करेगा? पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा? सर मेटा पे जाएगा, सिंपल स्ट्रेटजी सर, समझो मेरी बात को। कहेंगे सर ये ऑर्थोपैरा कैसे बन गए? अरे यार उसका नेचर है वो तो डोनेटिंग वाला, तो नेचर है, ऑर्थोपैरा तो बनने ही थे, ऑर्थोपैरा तो बनने ही थे, उसमें कोई डाउट नहीं था, बट मेटा कैसे बन गया? तो आप क्या बोलोगे? सम ऑफ द अनिलीन मॉलिक्यूल्स गेट्स प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड मतलब उनके ऊपर H+ आ गया, सम ऑफ द अनिलीन मॉलिक्यूल्स गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द अनिलीनियम आयन विच इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, एंड दैट इज वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, सो भैया ये कैसा डायरेक्टिंग बन जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग, एंड सम ऑफ द मेटा नेगेटिव डेरिवेटिव्स आल्सो फॉर्म। नहीं आया ना लव? नहीं समझ में? नहीं आया पक्का? तुम लड़कों समझ में आया? ये जबरदस्ती यहाँ चल रही है, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए मैं आपको बताऊँ बच्चों, ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, सारा खेल इस बात पे है कि आप लोगों कितना ढंग से इसको सुन रहे हो ना, कितना तुम्हें थोड़ा बहुत पिछला पता है। अगर पिछला पता है ना तो देखो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहा होगा चीजें क्या चल रही है। पिछला नहीं पता बहुत समस्या है भाई, फिर समस्या है। क्या टॉपिक करा दिया भाई, बहुत भारी भरकम टॉपिक करा दिया। आता है पिछला बिल्कुल टच लगेगा। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो मैं क्या बोलूंगा क्लास, सब बच्चे मुझे बताओ, ड्यूरिंग नाइट्रेशन क्या बोलेंगे? सम अनिलीन्स गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अनिलीनियम आयन्स, गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अनिलीनियम आयन्स विच इज ऑफ बस भाई 5-10 मिनट की बात हो रहे हैं। पढ़ना भाई, ए पढ़ना।
पढ़ के बताओ। प्रोटॉन एडिटी का मतलब होता है H+ जुड़ रहा है। सम बोलते हैं ड्यूरिंग द नाइट्रेशन सम एनिलीन्स गेट्स प्रोटॉन एडिट टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन व्हिच इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाली चीज है ऑर्थो पैरा को पॉजिटिवली चार्ज करती है। ये बात अगर तुम्हें पता है क्योंकि ये बात पहले पढ़ाई जा चुकी है। डोनेटिंग वाली ऑर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच बनाती है और विथड्रॉइंग वाली ऑर्थो पैरा को डेफिसिट बनाती है, पॉजिटिवली चार्ज करती है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता सिर्फ कौन सी जगह का मिलता, बोलो मैटा का। किसका मिलता बोलो, तो बोलता तो है एंड हेंस बिकम मैटर डायरेक्टिंग एंड हेंस मैटर नाइट्रो डायरेक्टिव प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्थो पैरा तो बनना ही है क्योंकि आपके अगर हजार मॉलिक्यूल्स हैं तो हजारों में प्रोटोनेशन नहीं हुआ, हजारों में से आधों में प्रोटोनेशन हो गया और आधे वैसे ही है। तो आधे अगर NH2 वाले ही हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो डोनेट करेंगे, और डोनेट करेंगे तो ऑर्थो पैरा को रिच बनाएंगे और मुझे ऑर्थो वाले रिजल्ट मिल गया और बोलो कौन से पैरा वाले भी। लेकिन आधे मॉलिक्यूल्स पे प्रोटोनेशन होने के कारण वो एनिलीनियम बन गए जिससे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के बन गए और जिसके कारण मेटा वाला रिजल्ट भी आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और नहीं हुआ ना तो हैलोकेन चैप्टर में जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उठाओ, हैलोकेन की वीडियो उठाओ, उसमें टॉपिक पकड़ो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले वो पूरा टॉपिक पढ़ो। एक घंटे की पूरी क्लास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, उसने सिर्फ वही करवाया होगा। तो पूरी वो एक घंटे की पहले वीडियो देखो, उसके बाद आओ इस क्लास को अटेंड करने, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा क्या पिक्चर है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहले वो करो फिर ये वाली चीज करो तो आएगा भाई, रिलेटेबल लगेगा। चलिए इसके बाद क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मैटर डेरिवेटिव ना चाहिए तो कैसे करोगे बोलो? दिस कैन बी कंट्रोल्ड अगेन, बोलो कैसे करोगे? दिस कैन बी, अगर मुझे मैटर डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो मैं कैसे रोक सकता हूं? अनुराग मैटर डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो कैसे रोक सकता हूं? वही काम करूंगा, दिस कैन बी कंट्रोल्ड, वही काम, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइलेशन ऑफ एनिलीन विद, बातें नहीं भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे आ जाओ? अगर मैंने इसकी रिएक्शन पहले किससे करवा दी, अभी पढ़ाया है बच्चों, लास्ट क्लास भी ये पढ़ाया था, बोलो क्या रिएक्शन प्रोडक्ट आएगा? बोलो इसका H निकलेगा, इसका OCOCS3 निकलेगा। मुझे रिजल्ट बताओ क्या बनेगा, मुझे रिजल्ट बताओ क्या बनेगा? NHCOCS3। अब क्या हो गया इससे, इससे क्या हो गया सर? इससे हुआ ये कि अब इसकी इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी उतनी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ ये खींच लेता है कुछ डोनेट हो जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे अवेलेबल ही नहीं है तो क्या H2SO4 का H+ वहां जाकर अटैक करेगा? अरे H+ को तो कोई वो चीज चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन ऐसी हो जहां पर डेंसिटी हो इलेक्ट्रॉन की। अगर मेरे इस CO ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, अनुराग नहीं आ रही मेरे पास समझ में, इस ग्रुप के लगने के कारण अब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है भाई इतने। अगर अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो मुझे तुम ये बताओ जो तुम्हारा H2SO4 से H+ निकलेगा क्या वो वहां जाके अटैक करेगा? नहीं करेगा। अगर वो वहां जाके अटैक ही नहीं करेगा तो एनिलीनियम जैसा कुछ भी और नहीं बनेगा, एनिलीनियम जैसा तो मैटर रिएक्टिंग होगा भी नहीं। सिर्फ कौन सा रिएक्टिंग हुआ? ऑर्थो और पैरा। आपको पता है मेजर पैरा वाला बनेगा, ऐसे में कौन सा आंसर आएगा सब बच्चे? ऐसे में कौन सा आंसर आएगा? ऐसे में इसके पैरा पे आके NO2 जुड़ जाएगा, इसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो आप लोगों को पता है ऊपर आ जाएगा NH2, नीचे NO2 और प्लस में CH3 COOH। समझ आया कि नहीं है? आपने दोनों रिएक्शंस को अगर ध्यान से देखा हो, बस खत्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्लोरोक्राफ्ट वाला बाद में बताऊंगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक रिएक्शन है छोटी सी। आपको मेन बात पकड़ने की, जो आज मैंने कराया है ना उसमें क्या चीज का ध्यान देना था, यहां से शुरू हुआ था आज की क्लास, आज की क्लास यहां से शुरू हुई थी। क्लास प्लीज बोर्ड पे 5 मिनट का एक रिकैप है। मैंने ये बोला था कि बेंजीन रिंग आने वाली चीज को कहां पर अटैक कराएगी, किस बात पे निर्भर करता है? अगर सिंपल बेंजीन हो, सब बच्चे बोलो, अगर सिंपल बेंजीन हो कुछ भी नहीं लगा हुआ तो कहां अटैक होएगा? कहीं भी। अगर सिंपल बेंजीन है तो फिर ऑर्थो पैरा क्या, कहीं भी अटैक कर दो। अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक कहां पर करवाएगा? उसको फोर्स करेगा कि तुम सिर्फ ऑर्थो पैरा पे आओगे और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से मैंने इन साइट्स को नेगेटिव बना दिया, और नेगेटिव बना दे तुम वहीं पर आकर अटैक करोगे, मेटा पे नहीं जाओगे भाई। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप आया तो वो इन्हीं साइट को पॉजिटिव बनाता है ऑर्थो पैरा वाली को, तो कहता भैया इलेक्ट्रोफाइल अब तुम इधर नहीं आ सकते, अब तुम सिर्फ मेटा पे जाओगे।
तो विड्रॉइंग ग्रुप मैटर एक्टिंग होते हैं और डोनेटिंग ग्रुप और तो और पैरा एक्टिंग होते हैं। समझ नहीं आ रहा सर, पक्की बात है। अब अगली बात पे आ जाओ फटाफट से, मेरा एनएस टू कैसा ग्रुप है? क्योंकि एनएस टू तो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अटैक कहां करवाएगा? और तो और पैरा पे। बट हमने एक चुकाने वाली चीज पाई कि अटैक एक साथ ही होगा सब पे। हमने ये पाया था जनरली किसी एक ही साइड को बहुत इलेक्ट्रॉन रिच बनाया जाता है, तो एक बार ऑर्थो वाला बन गया, एक बार बोलो क्या बन गया पैरा वाला, लेकिन एक साथ ही तीनों पर अटैक हो गया। तो इसका कारण हमें पता लगा कि जो एनएस टू का इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन साइमल्टेनियसली, सब पे अटैक एक बार में हो जाएगा, इतनी हाई डेंसिटी क्रिएट करता है तीनों साइड पे। तो कह रहे क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी डोनेशन को क्या ऐसा करा सकते हैं हम, एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन करवाएं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पाएं, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो हमने कहा कर सकते हैं। इसका पहले क्या कर दो, इसका पहले असाइलेशन कर दो। क्या कर दो पहले? असाइलेशन। असाइलेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था एसिडिक एनर्जी के साथ, असाइलेशन कर दो, एक ग्रुप जुड़ जाएगा। ये ग्रुप जुड़ने से क्या होता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना अवेलेबल ही नहीं होंगे डोनेशन के लिए, बिकॉज ये खुद कुछ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, तो थोड़े इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो तीनों साइड्स बहुत ज्यादा रिच नहीं होंगी, कोई एक ही साइड ज्यादा रिच होगी। आपको पता है वो एक साइड ज्यादा रिच वाली, ज्यादा स्टेबल वाली पैरा होती है। तो उसके बाद जब अटैक होएगा तीनों पर नहीं हुआ, कितने पर अटैक हुआ? एक पे ही हुआ। और फिर मैंने हाइड्रोलिसिस करा तो मेरा वो एनएस टू वापस बन गया और मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल गया। समझ आया? नहीं आया ना समझ में? पक्का? बहुत सारी पीछे चीजें बताई हैं, काफी एनर्जी लगी इस चीज के अंदर, लेकिन आपको आनी चाहिए समझ में आप चीजें, ठीक है ना? नहीं तो इतना पिछला बताने की जरूरत होती नहीं है। हमें ये मान के चलना होता है कि आपको आती है, हम आगे की बात करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने पिछला कितना पढ़ा हुआ है। इसके बाद मुझे बताओ, एक क्लास इसके बाद मैंने नाइट्रेशन की बात करी। अब नाइट्रेशन की जब मैंने बात करी तो आपको पता है नाइट्रेशन में भी ऑर्थो पैरा वाला तो आ जाए, लेकिन मेटा वाला क्या कर रहा है यहाँ पर? 47% मात्रा में, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर मेटा वाला भी मिला, जो कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि एनएस2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। कि मेटा वाला यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मेटा वाला? सो पता लगा कि भैया जिस समय ये रिएक्शन हो रही होती है कुछ एनिलीन्स के मॉलिक्यूल्स पे, ये एच प्लस जाकर अटैक करके उसको एनिलीनियम बना देता है। और आपको पता है जब एच प्लस जुड़ता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर लेता है, पता है आप लोगों को? भूल गए लास्ट क्लास बॉन्ड बनाएगा तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज, और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, क्या करती है इलेक्ट्रॉन? अब ये एक विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, और विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन से रिएक्टिव होते हैं? मैटर रिएक्टिव। वो ऑर्थो पैरा को पॉजिटिव कर देते हैं, तो भूल के भी एनो2 ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, इधर कहां पर जाएगा? मेटा पे। तो वो बोलेगा ना कि क्यों मेटा वाला रिजल्ट बना, तो आप बोलोगे क्योंकि कुछ एनिलीन्स के ऊपर एच प्लस ने अटैक करके उसको एनिलीनियम बना दिया, जो कि एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण अटैक किस पे हुए? मेटा पे हुए। हाँ, बाकियों में नहीं हुआ ऐसा एनिलीनियम, तो उनके कहां हुए? ऑर्थो और पैरा पे। समझ आया कि नहीं? ठीक है। वो कह रहे कि क्या इसको भी रोका जा सकता है? कह रहे रोक सकते हैं, इसका भी असाइलेशन कर दो। असाइलेशन कर दोगे तो ये ग्रुप जो है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना अवेलेबल नहीं रहने देगा, तो एच प्लस अटैक ही नहीं करेगा इसके ऊपर, तो मेटा वाला रिजल्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ पैरा वाला स्टेबल वाला आएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया। पढ़ना पड़ेगा इस क्लास को, आ जाके आप घर जाके इसको देखेंगे तो क्या कराई गई है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर? फिनिश कर दूँ इसको, थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।